सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन और मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर और जबलपुर में सामने आ रहे पॉजिटिव केसेस पर चिंता जाहिर की। सीएम शिवराज ने जिला ब्लॉक और पंचायतों की क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की मीटिंग ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि अभी कुछ भी बंद नहीं होगा, लेकिन सावधान रहें वरना हालात मुश्किल भरे हो सकते हैं। आज सावधानी नहीं रखी तो परिस्थितियां आने वाले वक्त में बहुत संकट वाली हो जाएगी। हम नहीं चाहते कि फिर से लॉकडाउन लगे, काम धंधे बंद हो जाएं और जिंदगी बहुत कठिन दौर से गुजरे। पिछले दिनों विशेषकर भोपाल, इंदौर और जबलपुर में लगातार पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं और नवंबर में अगर हम देखें तो पिछले 15 दिनों में उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन संक्रमण ना फैले इसके लिए सबसे जरूरी चीज है जो बहुत आसानी से की जा सकती है, वो है मास्क लगाना। मैं आप सबसे भी प्रार्थना करता हूं, विशेषकर हमारे मंत्रीगण बैठे हैं, जनप्रतिनिधिगण बैठे हैं, कि आप मास्क लगाएंगे तो लोग आपको देख के लगाएंगे। और कुछ चीजें मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं जो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अस्पताल के बिस्तरों की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, हमारी भरसक कोशिश ये रहेगी। लेकिन सावधानी का मतलब सबसे पहला टेस्ट, और फिर जो एक बात और मैं दोहरा रहा हूं बार बार, हम सबका परम कर्तव्य है कि हम फर्स्ट डोज लगभग पूरा हो गया है, कुछ जिलों में 90 से कम है, वो 90 तक तो पहुंच नहीं है, एकदम नहीं है अलग बात है, लेकिन घर घर 10 तक। मैं जनप्रतिनिधि मित्रों को भी अपील करना चाहता हूं, आज मैं कार्यक्रम में अपने क्षेत्र में जा रहा हूं, मैं कुछ घरों में जाऊंगा, कहूंगा कि सेकेंड डोज लगवाया कि नहीं लगवाया, आपको दस्तक देना है प्रेरित करने के लिए।